जय श्री कृष्ण। एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमें एक डाई दिया हुआ है, उस डाई को टॉस करना है, थ्रो करना है। तो आगे समझाया था कि एक डाई को थ्रो करोगे कि टॉस करोगे तो आपको 1 to 6 में से कोई भी एक आउटकम्स मिलेगा। देखो आगे ऊपर लिखा हुआ है मैंने कि 1 डाई को टॉस करोगे तो 6 आउटकम मिलेंगे, 2 डाइस को टॉस करोगे तो 6 into 6 यानी 36 आउटकम मिलेंगे, 3 डाइस को टॉस करोगे तो 6 into 6 into 6 यानी 216 आउटकम्स मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन एक एक मार्क में आ सकते हैं, तो ध्यान में रखना। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन, अभी आपको जो नंबर मिलेगा वो नंबर कैसा होना चाहिए? प्राइम। तो प्राइम नंबर 1 to 6 में प्राइम कौन से? सबसे पहले प्राइम का मीनिंग क्या है? जिसका फैक्टर नहीं निकलेगा, जिसका फैक्टर निकलेगा नहीं, दैट्स कॉल्ड प्राइम नंबर। तो यहाँ पे प्राइम नंबर कौन से हो जाएंगे? 2, 3 and 5। ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, 2, 3, 5। तो 3 नंबर हो गए प्राइम, यानी कि पॉसिबल आउटकम्स 3 upon 6 पॉसिबल 3, टोटल आउटकम्स हो गए 6। तो 3 upon 6 यानी 3 2 6 आंसर होगा 1 upon 2। सेकंड क्वेश्चन, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। तो 2 और 6, 2 और 6 के बीच में कौन से नंबर आएंगे? 3, 4, 5। बहुत इजी है, 3, 4, 5। तो यहाँ पे भी पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 upon 6, 3 2 6 यानी 1 upon 2। थर्ड क्वेश्चन, ऑड नंबर, ये भी इजी है, 1 to 6 में ऑड नंबर कौन से हो जाएंगे? 1, 3, 5। टोटल यहाँ भी आएगा 3। तो यहाँ पे लिखेंगे पॉसिबल आउटकम्स 3, टोटल आउटकम्स 6, 3 2 6 यानी 1 upon 2, दैट्स आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, उसमें आपको टोटल 52 कार्ड्स दिए हुए हैं। कितने कार्ड्स दिए हुए हैं? टोटल 52। उसका मैंने आपको दिया था इन्फॉर्मेशन लास्ट लेक्चर में, उसके अगले लेक्चर में। तो 52 कार्ड्स दिए यानी टोटल आउटकम्स n इज इक्वल टू 52। उसमें नंबर 1 क्वेश्चन, अ किंग ऑफ रेड कलर, अ किंग ऑफ रेड कलर। तो यहाँ पे देखो रेड कलर वाले कार्ड्स कितने होंगे? रेड कलर वाले कार्ड 26, लेकिन उसमें से आपको क्या लेना है? किंग। तो किंग टोटल कितने होते हैं? 4। उसमें से रेड कलर वाले कितने होंगे? ओनली 2। एक यहाँ पे आएगा हार्ट वाला, यहाँ पे आएगा डायमंड वाला। तो हार्ट वाला एक किंग लेना है, डायमंड वाला एक किंग लेना है, यानी टोटल कितने किंग मिलेंगे आपको? 2, जिसमें आपको रेड कलर मिलता है। तो यहाँ पे लिखेंगे रेड कलर किंग इज इक्वल टू 2। यहाँ पे लिखेंगे पॉसिबल आउटकम्स m इज इक्वल टू 2, टोटल आउटकम्स n इज इक्वल टू 52। कट होगा 26 2 जा, आंसर आएगा 1 upon 26। क्लियर। दूसरा फेस कार्ड, फेस कार्ड मैंने आपको समझाया था कि फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं? 12। कौन से? 4 किंग, 4 क्वीन और 4 जैक। ओके, फॉर जैक, फॉर क्वीन एंड फॉर किंग, यानी टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12 upon 52। यहाँ पे कट होगा 4 3 जा, यहाँ पे कट होगा 13 4 जा, 4 4 कट हो गया, आंसर आएगा 3 upon 13। थर्ड क्वेश्चन है रेड फेस कार्ड। अगले क्वेश्चन में देखा फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। उसमें रेड कलर के कितने होते हैं? 6। 2 किंग 2 क्वीन और 2 जैक यानी कि 6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 upon 52, 3 2 जा 26 2 जा, ऊपर नीचे 2 2 कट होगा, आंसर आएगा 3 upon 26। यानी कि ये सब मैंने आपको समझाया था, उसी के ऊपर ये डिपेंड है। फोर्थ क्वेश्चन, द जैक ऑफ हार्ट्स। अभी ध्यान रखना टोटल जैक कितने होते हैं? 4। जैक कितने होते हैं? 4, लेकिन हार्ट का जैक, हार्ट वाला जैक कितना होता है? ओनली 1। क्लियर, जो हार्ट वाला जैक होता है ओनली 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 upon 52, ये इसका हो गया आंसर। आगे उसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 5, अ स्पेड। चलो स्पेड वाले कार्ड्स कितने होते हैं? स्पेड वाले कार्ड्स होते हैं 13, फॉर 13 स्पेड होते हैं, 13 क्लब होते हैं, 13 हार्ट होते हैं और 13 डायमंड होते हैं। तो स्पेड कितने हो गए? 13।
तो यहाँ पे लिखेंगे पॉसिबल आउटकम्स 13, टोटल आउटकम 52, 13 फोर जा 52, आंसर आएगा 1/4। नेक्स्ट सिक्स नंबर, द क्वीन ऑफ डायमंड, ध्यान रखना क्वीन, क्वीन टोटल होती है 4, लेकिन डायमंड वाली ओनली 1, एक डायमंड क्वीन, एक हार्ट क्वीन, एक क्लब क्वीन और एक स्पेड क्वीन, लेकिन हमें सिर्फ डायमंड क्वीन चाहिए, उसका मतलब यहाँ पे आएगा 1, 1/52, दैट्स आंसर।